एक वक्त का किस्सा है, एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का कबूतर बेचता था। भाई मुझे एक अच्छा सेहतमंद कबूतर चाहिए, आप कितने का दोगे? भाई साहब वो जो सफेद रंग का कबूतर है वो बहुत आला नस्ल का है, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का दे दूंगा। है ये तो बहुत महंगा है। अरे भाई मैंने कबूतर की रेस नहीं लगवानी, कोई सस्ता कबूतर दो, मैंने उसका आज बारबेक्यू बनाना है। अच्छा भाई ऐसे बोलो कि खाने के लिए चाहिए, चलो फिर मैं आपको खचाइयत से भरपूर कबूतर 200 रुपए का दे दूंगा। ठीक है भाई दे दो। फिर वो ग्राहक कबूतर लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में मीठे नाम के लड़के ने कबूतर पाले हुए थे। वो कबूतरों को दाना खिला रहा होता है तो उसका एक कबूतर भाग जाता है। आ जा वापस आ जा। लेकिन वो दूर निकल जाता है, तभी वहाँ नसीबो कैंची आती है। अरे अमिटे क्या तू हर टाइम कबूतरों में लगा रहता है, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी डाल लिया कर। जाकर मेरे लिए मुर्गे का गोश्त लेके आज, उसकी यखड़ी बड़ा के पीऊंगी। ओ मोटी नाक वाली औरत, मैं टेंशन में हूँ, मेरा आला नस्ल का कबूतर भाग गया है और तुझे मुर्गे की यखनी पीने की पड़ी है। अमिटे मेरी जान के टूटे तू टेंशन मत ले, वो कबूतर वापस आ जाएगा। तू जा मेरे लिए मुर्गे का गोश्त लेके आज, जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही है। अच्छा जाता हूँ। फिर मीठा घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर पड़ती है बिट्टू के हाथ में उसका कबूतर होता है। तो मीठा वहाँ आ जाता है। ओ मोटे बिट्टू, क्या तूने मेरा कबूतर अपने पास रखा हुआ है? मीठे भाई ये कबूतर उड़कर यहाँ आया है, मुझे क्या मालूम था कि ये कबूतर आपका है। चल मेरा वीर अब पता चल गया है ना, अब शाबाश वापस कर। हाँ मीठे भाई ले जाओ। फिर मीठा कबूतर लेकर खुशी खुशी वहाँ से निकल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ नसीबो मीठे का इंतजार कर रही होती है। ये मीठा पता नहीं कहाँ निकल गया, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतने में मीठा आ जाता है। देख नसीबो मेरी जान की टोटी, मेरा कबूतर मिल गया और ये देख मैं तेरे लिए मुर्गे का गोश्त भी लेकर आया हूँ। वाह मीठे I love you so much, कुछ मत मच्छी है। नसीबो जल्दी यखनी बना, मैं भी आज यखनी पीऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, मुझे उससे जरूरी काम है। ठीक है मीठे जल्दी अभी हो। फिर मीठा घर से निकलता है और दोस्त के पास आता है। जॉनी कैसा है मेरे दोस्त? मीठे मैं ठीक हूँ, सुना कैसे आना हुआ आज मेरे पास इतने दिनों बाद? यार तुझे आज एक बहुत काम की बात बतानी है। वो जो मोटा बिट्टू है जो गांव में कबूतर बेचता है, तू उसे जानता है? हाँ हाँ मीठे जानता हूँ, वो बहुत भोला सीधा साधा इंसान है। बस फिर हमने उसके भोलेपन का फायदा उठाना है और उसके सारे कबूतर चोरी करने हैं। मीठे मेरा एक दोस्त है जो चोरी करने का एक नंबर का एक्सपर्ट है, बाहर से चोरी करने की ट्रेनिंग लेके आया है, उसने चोरी कर करके ही बहुत सारे कबूतर पाले हुए हैं। वाह फिर तो मजा आ गया, चल फिर उसके पास। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं और जॉनी उसे सारी बातें बताता है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो तुम मेरे पास, उसके कबूतर चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है भाई फिर आज हमें अपने बाएं हाथ का कमाल दिखाओ। ठीक है तुम लोग मेरे साथ चलो और दरख्त के पीछे छुपकर मेरा कमाल देखना। फिर वो तीनों वहाँ से निकलते हैं, जॉनी और मीठा दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और वो आदमी बिट्टू के पास आता है। अरे अरे बिट्टू आप हो? जी भाई बिट्टू मैं ही हूँ। खैर तो है आप कुछ परेशान लग रहे हो? बिट्टू भाई बात ही परेशानी वाली है, वो आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी जाओ और उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। ओहो ये क्या बात कर रहे हो भाई, आप एक काम करो आप मेरी दुकान का ख्याल रखो प्लीज। भाई मैं घर जाता हूँ और अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। यार कुछ जरूरी काम से जाना था लेकिन आपका जाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है आप जाओ मैं दुकान का ख्याल रखता हूँ। भाई आप बहुत अच्छे हो, अच्छा मैं चलता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से निकलता है और वो आदमी उसका सफेद रंग वाला कबूतर निकाल कर मीठे और जॉनी के पास आता है। देखा फिर मेरा कमाल कैसा चोरी किया मैंने इसका ये कबूतर। वाह भाई साहब मान गए, आप तो एक नंबर के नहीं बल्कि दो नंबर के।
के चोर हो। बस करो मेरी इतनी तारीफें, चलो अब निकलते हैं। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। अच्छा भाई मुझे अब देर हो रही है, मैंने घर जाकर मुर्गे की यखनी भी पीनी है, ये कबूतर मुझे दे दो ताकि मैं जाऊं। ओए तू पागल तो नहीं हो गया, चोरी मैंने की है तो कबूतर भी मेरा है। जॉनी ये क्या बोल रहा है, समझा इसे। यार देख चोरी का मशवरा हमने तुझे दिया था तो ये कबूतर हमारा है। जॉनी मैंने जान पर खेल कर चोरी की है। अच्छा तुम एक काम करो, मैं चोरी करने में तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, तुम चोरी करके कबूतर रख लेना, पर ये कबूतर मैं नहीं दूंगा। मीठे तू परेशान मत हो, हम कल और कबूतर चोरी कर लेंगे, वो कबूतर तू रख ले। पर यार तू हमें चोरी करने का तरीका समझा के कैसे तूने बिट्टू को चकमा दिया। फिर वो उन्हें सारा तरीका समझाता है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ खाना बना रही होती है। अम्मा जी आप ठीक हैं? हाँ बिट्टू मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना, पर तू क्यों पूछ रहा है? यार इसका मतलब उस आदमी ने मुझे पागल बनाया है, दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या हुआ बिट्टू बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है? कुछ नहीं माँ जी, अब खाना पकाओ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। फिर बिट्टू दुकान पर आता है। वो आदमी कहाँ गया, मैं अपने कबूतर को देखता हूँ। जब वो देखता है तो उसका सफेद वाला कबूतर नहीं होता। हाँ ये क्या हो गया, वो मेरा महंगे वाला कबूतर चोरी करके ले गया। फिर अगले दिन मीठा और जॉनी उस आदमी के पास आते हैं। चल यार चल कबूतर चोरी करने, आज तू मेरा भी कमाल देखेगा। फिर मीठा और वो आदमी दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और जॉनी बिट्टू के पास आता है। बिट्टू भाई आपकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, जल्दी घर जाओ और उन्हें डॉक्टर को दिखाओ। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी घर से आया हूँ, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक थी, और इस तरह का झूठा फराडिया कल भी आया था, वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, मैंने घर जाकर देखा तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी। अरे भाई कल जो भी फराडिया था मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मत जाओ, मरने दो अपनी माँ को। अरे नहीं भाई नहीं, आप सच कह रहे हो? तुम्हारे कबूतरों की कसम मैं सच कह रहा हूँ। भाई आप प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, मैं अम्मी को लेकर जाकर डॉक्टर के पास जाता हूँ। नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और भी जरूरी काम करने हैं। भाई प्लीज आप खड़े हो जाओ वरना कोई मेरे कबूतर चोरी करके ले जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जल्दी वापस आना। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टू परेशानी में वहाँ से चला जाता है और लड़का बिट्टू का एक और कबूतर निकाल कर मीठे और उसके दोस्त के पास आता है। देख लो मेरा कमाल, मैंने उसे उल्लू बना दिया और ये कबूतर ले लिया। अरे वाह यार तूने फिल्म क्या डाली उसे। मैंने कहा तेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, पहले तो उसने यकीन नहीं किया, फिर मैंने ऐसा उसे बातों में उलझाया कि वो मेरी बातों में आ गया, अब ये कबूतर मेरा है, चलो यहाँ से। ये कैसी बात हुई भला, तूने तो कहा था ये कबूतर हम दोनों का होगा। तो बेटे कल तू उसकी माँ की तबीयत खराब करी और कबूतर तेरा होगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं कल उसकी माँ की नहीं बल्कि बाप की तबीयत खराब करूँगा। माँ की तबीयत तो पुरानी हो गई है, अब मार्केट में कुछ नया होना चाहिए। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जब बिट्टू घर पहुँचता है तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक ठाक बैठी होती है। क्या हुआ आज फिर, तुझे किसी ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाँ माँ जी मुझे आज फिर किसी ने बेवकूफ बना दिया। माँ जी लगता है वो फिर मेरे कबूतर ले जाएगा, मैं जा रहा हूँ। बिट्टू परेशानी में वापस आता है और कबूतर देखता है, आज फिर उसका एक कबूतर कम होता है। हाय मैं फिर लूट गया, मेरा कबूतर फिर कोई ले गया। फिर जब रात होती है तो मीठा सोचता है, अब कल मेरी बारी है कबूतर चोरी करने की, मैं तो कल मौके से फायदा उठाकर एक नहीं बल्कि काफी सारे कबूतर चोरी करूंगा। फिर अगले दिन मीठा और जॉनी अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। चलो भाई चलो कबूतर चोरी करने, आज मेरी बारी है, आज मेरा कबाल देखना। फिर जॉनी और उसका दोस्त दरख्त के
के पीछे छुप जाते हैं और मीठा बिट्टू के पास आता है। भाई भाई आपकी अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी जाओ, मैं यहाँ खड़ा होकर आपके कबूतरों की हिफाजत करता हूँ। बिट्टू सोचने लगता है, अच्छा तो आज ये मुझे बेवकूफ बनाने आया है, मेरे तो अब्बू है ही नहीं तो उनकी तबीयत कैसे खराब होगी, अब इन चोरों को पकड़ना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो भाई, जल्दी जाओ। अच्छा भाई आप दुकान का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दरख्त के पीछे छुप जाता है तो देखता है और वही चोर वहाँ आ जाते हैं। देखा तुम लोगों ने मेरा कमाल कि कैसे चकमा देकर मैंने उसे भेजा, चलो कबूतर चोरी करके यहाँ से निकलते हैं, ये सारे कबूतर मेरे होंगे। नहीं मीठे, मेरी लालच अब बढ़ गई है, हम इसकी पूरी कबूतरों की रेडी ही ले चलते हैं। यार मीठा ये कितना गलत कर रहा है, मैंने इसका कबूतर भी इसे वापस कर दिया लेकिन इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। वो बिट्टू की कबूतरों वाली रेडी लेकर जा रहे होते हैं तो बिट्टू उनका पीछा करता है और उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो कबूतर चोरी करके आए होते हैं। फिर बिट्टू भागता हुआ पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस वाले को सारी बात बताता है। ठीक है लड़के चलो, वैसे भी हमने बहुत दिनों से चोर नहीं पकड़े, उन्हें पकड़ेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी। फिर बिट्टू पुलिस वालों के साथ वहां आ जाता है, पुलिस वालों को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। पकड़ लो पुलिस भाई इन तीनों चोरों को, पकड़ लो। बिट्टू भाई हम चोर नहीं हैं, हम तो इन कबूतरों को सैर करवाने आए थे। तुम्हें तो मैं अब जेल की सैर करवाता हूँ, बिट्टू आज से ये सब कबूतर तुम्हारे हैं घर। फिर पुलिस वाले उन्हें वहां से ले जाते हैं और वो सारे कबूतर बिट्टू को मिल जाते हैं।